राजधानी लखनऊ में आतंकी सैफुल्लाह के मारे जाने के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों की नजर बाराबंकी की देवा शरीफ पर थी और 27 मार्च को देवा शरीफ में लगने वाले उर्स के दौरान आतंकी हमले की प्लानिंग थी, लेकिन अब लखनऊ में सैफुल्लाह के मारे जाने से आतंकियों का प्लान ध्वस्त हो गया है। हालांकि बाराबंकी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और दरगाह के साथ ही आसपास के इलाकों में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है और वहां आने जाने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस तरह की कोई सूचना जिला प्रशासन को नहीं है और हम लोग उस सूचना को लेके कहीं कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। ये हमारी रूटीन एक्सरसाइज है, ये पहले भी होती रही है और हमेशा जैसे त्यौहार के मौके पे, आगामी जैसे त्यौहार होली का त्यौहार है, इसी तरीके से विभिन्न पर्वों पर विभिन्न जो भी घटनाएं होने वाली होती हैं उसके दृष्टिगत हम लोग एक रूटीन एक्सरसाइज करते हैं। तो सैफुल्लाह के मारे जाने के बाद अब बाराबंकी में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और हर आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि लखनऊ में जो आतंकी सैफुल्लाह मारा गया है उसके मारे जाने के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों की नजर बाराबंकी की देवा शरीफ पर थी और आपको बता दें कि देवा शरीफ में लगने वाले उर्स के दौरान आतंकी हमले की प्लानिंग थी, लेकिन एक कह सकते हैं कि बड़ा खतरा टल गया। लेकिन उसके बाद बाराबंकी की जो पुलिस है वो अलर्ट नजर आ रही है और दरगाह के साथ ही आसपास के इलाकों में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। हर आने जाने वाले शख्स से पूछताछ की जा रही है। पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इस वक्त हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, सैफुल्लाह के मारे जाने के बाद एक के बाद एक लगातार खुलासे हो रहे हैं। बाराबंकी की जो दरगाह है वो भी निशाने पर थी, कह सकते हैं बड़ा खतरा तो टल गया, लेकिन कितनी चौकन्नी अब पुलिस दिख रही है। देखिए, कल राजधानी लखनऊ में जिस तरह से आतंकी मुठभेड़ हुई और सैफुल्लाह मारा गया, उसके बाद जो इनपुट पुलिस को मिले थे कि ये आतंकी देवा शरीफ या और भी कई जगहों को निशाना बना सकते हैं, इनके निशाने पर बाराबंकी एक जगह थी। वो पूरी तरह से इनपुट के आधार से एटीएस ने ये जानकारी जो वहां की स्थानीय पुलिस है उसको दी। उसके बाद देवा शरीफ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एक जनरल चेकिंग आज वहां पे की गई है और ये कहा जा रहा है आगे भी इस तरह की चेकिंग वहां की जाएगी। हालांकि कोई आतंकी इनपुट इस तरह का नहीं था कि वहां कोई आतंकी छुपे हुए, लेकिन फिलहाल वहां की सुरक्षा देवा की बढ़ा दी गई है जिससे कोई भी इस तरह की गतिविधि ना हो पाए। जिस तरह कल ऑपरेशन इतना लंबा चला और उसके बाद एक आतंकी मारा गया, तो इसका मामला तो देवा शरीफ में सैफुल्लाह की हमले की प्लानिंग थी, लेकिन उसके मारे जाने के बाद एक लगातार खुलासे हो रहे हैं। बाराबंकी में हाई अलर्ट पर पुलिस है और जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस जानकारी के लिए।